ओके स्टूडेंट्स, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस हमारे पास, नहीं 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 ओके स्टूडेंट्स, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस हमारे पास क्या है कि जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकते हैं. ओके, वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर को, इस पिस्टन को मैं लॉक कर देता हूँ. ये पिस्टन ऊपर मूव नहीं कर सकता, सही है, इनिशियल फाइनल स्टेट में ये लॉक रहेगा. अब जब मैंने इसको लॉक कर दिया, अंदर इसके गैस मौजूद है, उस गैस का वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है, उस गैस का वॉल्यूम T1 है, और ऑब्वियसली प्रेशर जो है मेरे पास यहां पर हो जाएगा P1. जैसे ही मैं इसके साथ सोर्स लाके रखूंगा, सोर्स लाके रखने से होगा ये कि सोर्स इसको सप्लाई करेगा हीट, इसको हीट सप्लाई करेगा, और हीट सप्लाई करने की वजह से इसका टेम्परेचर राइज होकर कितना हो गया, लेट से T2 हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया. बट वॉल्यूम, व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, वॉल्यूम पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, V1 था V1 रहेगा, बट इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज कर गया. अब जब प्रेशर इंक्रीज कर गया तो वॉल्यूम सेम है, मैथमेटिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, सही है. तो अभी तक कितनी बात हुई है कि एक जो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है वो लॉक्ड है, उसके अंदर कोई गैस रखी हुई थी, उसका टेम्परेचर T1 था, उसका प्रेशर P1 था, उसका वॉल्यूम V1 था. मैंने इसको सोर्स के साथ कनेक्ट किया, यानी इसके अंदर हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन ये सिस्टम एक्सपेंड नहीं करेगा, सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, सिस्टम एक्सपेंड नहीं करेगा, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, पहले भी V1 था बाद में भी V1 रहेगा. बेटा मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं, मैथमेटिकली आई मे राइट, फर्स्ट लॉ क्या, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, वी ऑल नो. अच्छा डेल्टा क्यू ना लिखे, क्योंकि बुक में डेल्टा क्यू नहीं, बुक में क्यू लिखा हुआ तो वही लिख रहा हूं मैं, लेकिन डेल्टा क्यू भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, बेसिकली हीट चेंज है ये. इसको मैं पी डेल्टा भी लिख सकता हूं, बट सिंस V1 इज इक्वल टू V2, देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम जीरो नहीं है, वॉल्यूम का चेंज जीरो है, तो वॉल्यूम का चेंज जीरो होने की वजह से ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और वर्क नहीं होगा. मैं कह सकता हूं कि ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, पी से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, तो जो भी हीट सप्लाई करी, जो भी हीट सप्लाई करी उसने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, जी बिल्कुल, उसकी इंटरनल एनर्जी, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम जितनी भी हीट सप्लाई करते हैं वो इस्तेमाल होती है सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने में. ओके, सर ग्राफ बनाते हैं, ये लेट से प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, लेट से इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल प्रेशर P1 है. अब क्या हुआ, सिस्टम का प्रेशर तो बढ़ रहा है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ये लाइन कहाँ जाएगी, सीधी ऊपर जाएगी इस तरह से. ये हो गया P2, ये लाइन जा रही है सीधी इस तरह से, सही है. ओके, अच्छा जो वर्क यहां पर हो रहा था वो इस रेक्टेंगल में बना था, रेक्टेंगल यहां वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से होगा, क्योंकि वर्क के अंदर वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी है. ये रेक्टेंगल वर्क नहीं बताएगा, क्योंकि प्रेशर चेंज होना वर्क का काम नहीं है, वॉल्यूम चेंज होना अगर यहां पर होता तो वर्क होता. अभी एक लाइन बन रही है, अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखा जाए, इस एक्सिस के लिहाज से रेक्टेंगल तो बनने से एक लाइन बन रही है, और लाइन का एरिया नहीं होता, यानी कि वहां वर्क नहीं होगा, सही है. ओके, नाउ वी कैन कंक्लूड, और ये कंक्लूजन अपने नोटबुक्स में लिखें कि द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम इज ओनली यूटिलाइज टू इंक्रीज द इंटरनल ऑफ द सिस्टम, इन अदर वर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बेटा. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर हम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़. हाँ, कोई मसला हो, कोई कमेंट्स, कोई इशू आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं. सही है भाई, अल्लाह हाफिज़.